तो यार बाकी फ़ोन कंपनीज हर महीने नया फ़ोन लॉन्च करती हैं, बट OnePlus बहुत प्यारी कंपनी है, वो हर महीने अपने सेम फ़ोन का एक नया मॉडल लॉन्च कर देती है। और इस बार हमारे पास आया है ये OnePlus 60 का McLaren एडिशन, तो काफ़ी फैंसी से बॉक्स में आया है, काफ़ी फैंसी चीज़ें हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंट है और ये नॉर्मल वाले फ़ोन से कितना अलग है। रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो भाई बॉक्स इसका बहुत प्यारा है, सल्यूट टू स्पीड McLaren जो कि रेसिंग कार्स बनाती है, F1 रेसेस में भी पार्ट लेती है और वैसे भी उनकी काफी सेक्सी गाड़ियां होती हैं, तो उससे इंस्पायर्ड है डिज़ाइन, ऐसा सब बोल रहे हैं OnePlus 60 का। तो देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये बहुत ही फैंसी सा बॉक्स हमें मिल रहा है, इसको मैं खोलता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फास्ट एंड स्मूथ, इधर सल्यूट टू स्पीड एक और है, और ये सबसे पहली चीज़ जो हमें बॉक्स में मिलती है वो है एक बुकलेट, जिसमें आपको बेसिकली देखने को मिलेगी McLaren की सारी हिस्ट्री कैसे है। काफ़ी फैंसी सी है, अगर आप लोग F1 रेसिंग फॉलो करते हो या आपको इन जनरल कार्स में इंटरेस्ट है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको McLaren की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि उनकी गाड़ी में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या है। फिर OnePlus 60 के साथ भी भाई उन्होंने की सिमिलर चीज़ें क्या हैं, तो ये ख़त्म हो गई है यहाँ पे। ओह, तो और फ़ोन भी जो है इसके अंदर ही है, बुकलेट के अंदर फ़ोन भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये है OnePlus 60, इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ, बाकी देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। नीचे आपको एक कवर मिल जाता है, जो पीछे आप देखोगे McLaren का लोगो है इस कवर पे, काफ़ी अच्छा स्टर्डी सा कवर है ये। यहाँ पे आपको मिलता है एक ये मोमेंटो, जिसमें बेसिकली वो कार्बन फाइबर आपको मिल रहा है जिससे McLaren की F1 गाड़ियाँ बनती हैं एक्चुअली, तो उस कार्बन फाइबर का थोड़ा सा पीस है ये, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। तो बॉक्स में यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मिलती है एक टाइप सी केबल, काफ़ी फैंसी से ऑरेंज कलर में है, और जैसा आप देखोगे मतलब ब्रेडेड केबल है, तो मतलब ज़्यादा इस पर वो नहीं होगा डैमेज, काफ़ी अच्छा लग रहा है फैंसी ऑरेंज कलर। और साथ में आपको मिल जाता है एक 3.5 mm टू USB टाइप सी जैक, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑरेंज है ये भी। और ये जो है भाई यहाँ पे OnePlus का डैश चार्ज का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, वॉप चार्ज कह रहा है इसको OnePlus, 50 वॉट की चार्जिंग है इसमें। तो McLaren जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है, वो OnePlus 60 में वो स्पीड लेके आ रहे हैं चार्जिंग स्पीड, और काफ़ी तेज़ इससे फ़ोन चार्ज होने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे भी McLaren की ब्रांडिंग है, ऑरेंज कलर है, तो बेसिकली ओवरऑल पैकेज जो है उसमें एस्थेटिक चेंजेस काफ़ी सारे हैं। अब चलिए फ़ोन पे एक बार देख लेते हैं। तो ये है OnePlus 60 McLaren एडिशन, और इतने फ़ोन ऑन होता है, मैं आपको एक बार फ़ोन को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देखेंगे आगे से तो आपको फ़ोन में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा, जो नॉर्मल OnePlus 60 है एकदम वही सेम लुक्स हैं, बट ये स्टार्टिंग में देखिए McLaren का लोगो आया है स्टार्ट होते टाइम, बट बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है पीछे, ये कैमरा में आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, मतलब लाइट जब चेंज हो रही है तब पता चल रहा है, हल्का हल्का सा वो रेसिंग कार्बन फाइबर वाला जो लुक होता है वैसा है। और साइड में आप देखेंगे एक ही ऑरेंज टेंट है एंड में, जिससे बहुत ही प्रीमियम सी लुक आ रही है, मतलब एकदम डिफरेंट लग रहा है फ़ोन, और ऐसे स्ट्रेट में उतना नहीं पता चलता है, बट जब आप इस फ़ोन को ऐसे साइड से देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेंगे ये ऑरेंज साइड पर जो है। तो ये हो गया है फ़ोन सेटअप, और जैसा हमने देखा कि बाहर से तो एस्थेटिकली बस ये पीछे का बैंड जो है वो डिफरेंट है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, पर अंदर से भी आप देखोगे कि ये ऑरेंज टिंट में आपको सब चीज़ मिलती है, तो जो नॉर्मल कलर होता है ऑक्सीजन OS का उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखने वाला UI है इसका, डार्क थीम लगी हुई है ऑलरेडी पूरे पे, ऑरेंज टिंट्स हैं जो ये McLaren की थीम से मैच होता है। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में आपको बता दूँ, अंदर आपको मिल जाता है सेम स्नैपड्रैगन 845 जो हमें पहले OnePlus 60 में मिला था, बट इसमें जो चेंजेस है कि इसमें आपको मिलती है 10 GB की रैम, मतलब 10 GB रैम है इस फ़ोन में, और 256 GB स्टोरेज है, बाकी सब चीज़ सेम है। 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, पीछे डुअल कैमरा सेटअप है 16 MP प्लस 20 MP का, आगे सिंगल कैमरा है 16 MP का, एंड्रॉयड 9 पे चल रहा है ये फ़ोन, और ऊपर से आपको मिल जाता है ऑक्सीजन OS। 3700 mAh की बैटरी है इस फ़ोन में, तो बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़े से विजुअल एलिमेंट्स चेंज किए हैं, बट 10 GB रैम मिल रही है इस फ़ोन में, और 256 GB की स्टोरेज है, तो मतलब भाई एक्सपेंडेबल स्टोरेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, वैसे इस फ़ोन में है भी नहीं वो, बट ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी 256 GB के साथ। तो भाई ये है McLaren एडिशन OnePlus 60, और प्राइस हमें अभी इसका नहीं पता है, इंडिया में लॉन्च हो रहा है ये फ़ोन, बट प्राइस इसका आराम से महंगा होने वाला है, टेंशन मत लो उसकी आप, मतलब मिनिमम 45,000 तो होने ही वाला है ये प्राइस। तो अगर इसको कंपेयर करूँ मैं नॉर्मल OnePlus 60 के साथ कि क्या ये वर्थ इट है लेना या नहीं, तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो इसमें
तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो इसमें जो इंप्रूवमेंट्स हैं, 10GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, उससे आपको डे टू डे लाइफ में कुछ फर्क नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जो 6GB रैम वाला वर्जन है, 8GB रैम वाले वर्जन है, वो भी काफ़ी तेज परफॉर्म करते हैं OnePlus 60 के, तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखने वाला है। हाँ, अगर आप कार एंथूजियास्ट हैं, आप रेसिंग वगैरह फॉलो करते हो, F1 रेसिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, कि McLaren एडिशन है तो आपको थोड़ी सी एक एक्सक्लूसिविटी वाली फील भी आएगी, और साथ में ये प्यारी सी बुक मिल जाएगी जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक और फीचर जो इस फ़ोन का है भाई, ये जो वॉक चार्जर है, तो डैश चार्जर जो अभी तक OnePlus नॉर्मल फ़ोन में देता था, हमें पता है ऑलरेडी काफ़ी तेज़ स्पीड है उसकी, बट वॉक चार्जिंग आपने रिसेंटली अगर Oppo R17 देखा होगा तो उसमें हमें मिला था 50 वॉट चार्जर, तो ये भी 50 वॉट का चार्जर है, और भाई बेसिकली ये ऐसा है कि मतलब आपने 10 मिनट भी लगा लिया तो आपकी 20-25% आराम से बैटरी फिल कर देगा, 30 मिनट में 80-90% तक ले जाएगा बैटरी, तो फास्ट चार्जिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है ये चार्जर। तो भाई स्पीड जो है, McLaren का जो DNA है स्पीड और रेसिंग, उसको ट्रूली एम्बॉडी करता है ये चार्जर। तो ये है OnePlus 60 McLaren एडिशन, और हम जल्दी एक कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि ये तेज़ है एक्चुअली नॉर्मल OnePlus 60 से या नहीं, और चार्जिंग स्पीड्स भी टेस्ट करेंगे। चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।